प्रिय आत्मन, डिवाइन नेक्टर चैनल में मैं डॉक्टर निर्मल मुनगली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नीम करौली महाराज की लीला प्रसंगों की आज अगली कड़ी में एक ऐसी कथा है जो बर्मा से भारत और अमेरिका तक फैली हुई है। शुरू होती है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, 1942 के आसपास, और इसका चरम होता है सन 2004 अक्टूबर माह में कैची में। तो आइए इस कथा का आनंद लेते हैं। बात सन 1958 की है। महाराज हल्द्वानी में थे और अपनी चिर परिचित मुद्रा में तखत पर लेटे से आराम कर रहे थे। पासी मेज में एक अखबार, एक कागज का टुकड़ा, पेंसिल और चीजें पड़ी हुई थी। तो उन्होंने अखबार को उठाकर अपने घुटने के ऊपर रखा अधलेटी अवस्था में ही, और उसके ऊपर से उस कागज के टुकड़े को रखकर पेंसिल से कुछ लिखना शुरू किया। वो लिख रहे थे और फिर पिताजी की ओर, जो पास में ही खड़े थे, उन्होंने इशारा करके पास बुलाया, कागज को मोड़ के तह किया और पिताजी के पास आने पर उनकी जेब में, कमीज की जेब में डालते हुए बोले, ले ये तेरे लिए है। बाद में पिताजी ने जब देखा तो महाराज ने उस कागज के टुकड़े पर राम राम लिखा था स्वयं अपने हाथों से, और प्रसाद स्वरूप पिताजी को भेंट किया था। महाराज का वो महामंत्र राम राम लिखा हुआ अनमोल रतन हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन इसकी इस कथा में उपयोगिता आगे चल के स्पष्ट होगी। सन 1992 में मैं अपनी सासू माँ के साथ उनके निवास स्थान नैनीताल में बैठा हुआ बातें कर रहा था। बातें उनके उस समय की हो रही थी जब उनका परिवार बर्मा में था। वो लोग, जब अन्य भारतीय भी करीब 5 लाख लोग 1942 में विश्व युद्ध के दौरान बर्मा से भारत विस्थापित हुए थे, तो उनमें से नव दंपति के रूप में वो भी थी। बातों ही बातों में महाराज का जिक्र आ गया और माँ जी बर्मा में अपने बचपन और महाराज की यादों में खोसी गई। माँ जी ने बताया उनका बचपन बर्मा में मेमियो में बीता था। उनका परिवार व्यवसायी परिवार था और मेमियो के पास ही एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम नौखानजी था, वहाँ वो अपने परिवार के सदस्यों, माँ के साथ अक्सर जाते रहती थी। नौखानजी में महाराज रहते थे, लोग उनको नौखानजी बाबा के नाम से जानते थे। तो माँ जी बताती हैं कि नौखानजी में एक पहाड़ी सा इलाका है और उसमें एक गोल कुटिया महाराज ने बनाई थी तख्तों से, और उसकी छत 6 खंभों में उसमें टिकी हुई थी। कुटिया के कच्चे फर्श में एक तहखाना नुमा कमरा भी था। लोग कहते थे इसमें बैठकर महाराज साधना करते हैं। महाराज से मिलने तमाम लोग आते थे और महाराज सबको प्रसाद, भोजन इत्यादि वहां पर कराते थे। साथ ही में महाराज के पास आने वालों में
बुखार, मलेरिया, पीलिया इत्यादि के मरीज भी आते थे और महाराज अपने हाथों से एक माला बना के, जो कि एक धागे में किसी वनस्पति के छोटे छोटे टुकड़े माला की तरह पिरोए हुए होते थे, बंधे हुए, उसको पहनाते थे और वो माला रोगी के गले में पड़ी पड़ी लंबी होते जाती थी और जैसे जैसे वो लंबी होती थी रोग भी ठीक होता जाता था। मांझी का परिवार भी महाराज की सेवा में उनसे दर्शन करने के लिए जाते रहता था। मांझी को बड़ी स्पष्ट यादें थी। मांझी बताती हैं कि महाराज को छाछ बहुत पसंद थी और मेरी माँ उनके लिए छाछ लेकर वहाँ जाती थी। कुटी के दरवाजे के पास महाराज ने एक तख्ती लगा रखी थी जिस पर लिखा हुआ था, कुटी पुरानी हो चली, खंबे हैं बलवान, अतिथि तुम आते रहना, दाता है भगवान। महाराज युवा ही थे, उनकी दाढ़ी थी और काले बाल थे छोटे छोटे और वो बिना सिला एक सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे जिसकी की गांठ दो सिरों की उनके कंधे के पास, बाएं कंधे के पास रहती थी। 1942 का समय था जब द्वितीय युद्ध में भारतीय विस्थापित भारतीय करीब 5,00,000 लोग वहाँ से भारत की ओर को चले। एक लंबी पैदल यात्रा के बाद, बहुत विकट यात्रा के बाद ये लोग भारत पहुँचे और मांझी और उनके परिवार पिथौरागढ़ पहुँचे। बर्मा का जो कुछ भी था सब बर्मा में ही छूट गया और जीवन की नई शुरुआत फिर भारत में हुई। फिर से जीवन को व्यवस्थित किया उन्होंने। मांझी बताती हैं कि 70 के दशक में वो ज्योलीकोट में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरे ससुर जी PWD में कार्यरत थे तो मांझी की अपनी कोई व्यक्तिगत परेशानी थी, परेशान थी उससे वो, तो उनके यहाँ एक मोहनचंद्र काम करते थे। मोहनचंद्र ने उनसे कहा कि मेम साहब, यहाँ पास में ही भूमियाधार में एक महाराज रहते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, लोगों की परेशानियाँ ठीक करते हैं, आप भी मिलो ना उनसे, ठीक हो जाएगा सब। और एक दिन मांझी मोहनचंद्र के साथ ज्योलीकोट से गेठिया के लिए रवाना हो गई। मंदिर से पहले ही पहाड़ से निकलने वाले एक छोटे से पानी के स्रोत के पास में कुछ लोगों को उन्होंने बैठे हुए देखा और उनके बीच में कंबल ओढ़े हुए एक व्यक्ति को देखा। मांझी कहती, मैंने सोचा कि यही होंगे महाराज और मैं उनकी ओर को बढ़ी। जब उनके पास आई तो उन्होंने मेरी ओर को देखा और देखते ही बोले, लिली तूने पहचाना हमको? मैं हैरान हुई कि मेरा नाम लेके ये मुझे पुकार रहे हैं। मैंने जैसे ही देखा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने कहा, जी महाराज मैंने पहचान लिया आपको, आप नौखांजी वाले बाबा हैं। महाराज हंसने लगे, अच्छा तो तूने पहचान लिया हमको, और बता क्या याद है तुझको, बता। तो मैंने कहा महाराज आप नौखान जी में कुटिया में रहते थे, गोल कुटिया थी आपकी और आपने उस कुटिया में एक तख्ती लगा रखी थी जिसमें लिखा हुआ था, कुटी पुरानी हो चली, खंबे हैं बलवान, अतिथि तुम आते रहना, दाता है भगवान। और आप वहाँ लोगों को प्रसाद देते थे, भोजन कराते थे, लोग आपसे मिलने आते थे। मैं अपनी माताजी के साथ, परिवार के साथ आपके पास आती थी। तो महाराज बोले, अरे तुम्हें तो सब कुछ याद है, अच्छा बता ईजा यानी माँ, उनकी माँ कैसी है? सब लोगों के बारे में उन्होंने पूछा। और बर्मा के बाद यानी 1942 के बाद, अब ये 1970 के आसपास उनकी अब दोबारा भेंट हुई। महाराज ने उनको पहचान लिया था।
महाराज जी ने भी उनको पहचान लिया था। उसके बाद महाराज कई बार उनके निवास स्थान जोलीकोट में आए, रुके भी। इस वार्ता को मेरे पुत्र समर्थ ने, जो तब फिफ्थ स्टैंडर्ड का विद्यार्थी था, अपने स्कूल के एक रजिस्टर में लिख दिया। उसके बाद बात आती है सन 2004 अक्टूबर की। तब रामदास अमेरिका से अपने सहयोगी और साथियों के साथ कैंची आए हुए थे। पक्षाघात के बाद वो व्हीलचेयर में रहते थे, तो मैंने उनसे मिलने के लिए कैंची जाने का मन बनाया। जब जाने लगा तो सोचा रामदास के लिए इस भेंट में क्या लेके जाऊं। सोच ही रहा था तो मन में विचार आया कि महाराज के हाथ का लिखा हुआ वो महाप्रसाद राम राम, उसी को लेके चलो, उसी के दर्शन करा दूंगा रामदास जी को। मैं संतुष्ट हुआ कि ठीक सोचा है, और लेकिन जब देखा उसको तो वो गायब। सब जगह ढूंढ दिया उसको घर में, कोई ऐसा तो था ही नहीं कि उसको कहीं भी रख दो। जहां उसके मिलने की संभावना हो सकती थी वो सब जगह ढूंढ दिया, वो महाराज का कागज लिखा हुआ नहीं मिला। जैसे जैसे ढूंढ असफल हो रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मैं परेशान था कि इतनी अमूल्य चीज कैसे गुम हो गई। मैं परेशान था और कैंची जाना भी था, क्योंकि मैंने वहां जवाब भेजा था कि मैं आ रहा हूं। तो उसकी खोज करते करते अचानक मेरी पत्नी के हाथ में समर्थ का लिखा हुआ वो रजिस्टर का पन्ना मिल गया, जो माजी से बातचीत करते हुए समर्थ ने उसको कॉपी में लिख दिया था। पति ने कहा, देखो ये मिला है, इससे कुछ होगा? तो मैंने जब देखा तो उसकी याद तो थी नहीं मुझको, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। और हम उस कागज को ही लेके कैंची के लिए रवाना हो गए। जब काठगोदाम में पहुंचे तो वहाँ जाम लगा हुआ था। मैंने गाड़ी पास में दुकानों के सामने खड़ी कर दी, तो एक परिचित व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बताया कि ये सामने ही उसकी फोटोस्टैट की दुकान है। तो मैंने वो कागज उसको दिया और उससे कहा कि इसकी दो कॉपी कर दो। उसने कॉपी करके मुझे दी और तभी जाम भी खुल गया और हम लोग कैंची के लिए रवाना हो गए। कैंची पहुंचे, वहां पहुंचकर मैंने हमेशा की तरह महाराज के तखत में प्रणाम किया और फिर पूज्य सिद्धि माँ से मिलने उनके कमरे की ओर को चल दिया। जैसी माँ से भेंट हुई, माँ ने मेरे हाथ में कागज का वो रोल देखा, बोली ये क्या है, क्या लाया है तू? मैंने बताया, मैंने कहा माँ उसमें महाराज की कथा है कि जब वो बर्मा में थे। बोले बता बता। तो मैंने उनको संक्षेप में बताया, तो बोली लाला ये मुझे दे दे और फिर तू रामदास से भी मिल ले और प्रसाद खा। मैंने उसकी एक कॉपी फोटोस्टैट की माँ को दे दी। माँ उसको लेके अपने कमरे में चली गई भीतर और मैं रामदास से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर को चला गया। रामदास व्हीलचेयर में अपने कमरे में अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, बहुत ही प्रेम से मिले, कुशल मंगल पूछी और फिर उसके बाद मैंने उनको उस कागज के विषय में बताया। तो उन्होंने वो कागज मैंने उनको दिया, उन्होंने कागज को पकड़ा और उसको पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते अचानक गंभीर हो गए और फिर उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, ओ माय, ओ माय, ओ माय। कागज पढ़ना उन्होंने बंद किया, अपने
गोद में उन्होंने व्हीलचेयर में कागज को रखा और सोच में पड़ गए। कहीं खो से गए थे वो? और फिर बोले, ये तो मालूम था हमें कि बर्मा में महाराज थे, लेकिन कब, कहां और कैसे ये पता नहीं था। आज महाराज ने बता दिया है खुद। फिर अपने साथियों से बोले, हम बर्मा जाएंगे। फिर मेरी ओर को मुड़े और बोले, पांचवी क्लास के एक बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा लिखा है, क्या मैं इसको रख सकता हूं? बहुत ही विनम्रता से उन्होंने पूछा, क्या मैं इसको रख सकता हूं? मैंने कहा, आपके लिए ही है ये। और रामदास ने वो कागज बार बार अपने माथे में लगाते हुए पूरी श्रद्धा से एक ही बात कहते रहे, मेरे गुरु का प्रसाद है, मेरे गुरु का प्रसाद है, मेरे गुरु का प्रसाद है ये। महाराज की इस लीला में ये कड़ियां आपस में किस तरीके से जुड़ती हैं, कहानी का एक सिरा द्वितीय विश्वयुद्ध वाले समय में सन 40 के आसपास 42 बर्मा में है, फिर बीच में पिताजी को उनका सन 58 में दिया वो राम नाम वाला मंत्र का कागज जो ठीक रामदास के आने पर गुम हो गया, और उसकी जगह में माँ जी के संस्मरण का वो कागज जो बेटे ने लिख दिया था वो रामदास के हाथों में पहुंचा। और रामदास को महाराज ने, जैसा रामदास ने कहा, कि आज उन्होंने बता दिया जो मैं जानना चाहता था, जो मैं ढूंढ रहा था। ये लीला है महाराज की। तर्क बुद्धि से लीला को देखा नहीं जा सकता, भाव प्रधान है, इसका आनंद केवल प्रेम श्रद्धा से ही लिया जा सकता है। लीला है उनकी। नमस्कार, फिर आपसे भेंट होगी। जय गुरुदेव।